नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। MIG पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है जो कार में लेकर घूम रहे थे। मामला इंदौर के MIG थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार में दो बदमाश घूम रहे हैं जिनके पास पिस्टल भी है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार को घेराबंदी कर पकड़ा। कार की तलाशी ली गई तो उसमें एक पिस्टल पुलिस को बरामद हुई। मौके से ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में यश छाजेड़ और राकेश प्रजापति दोनों रतलाम जिले के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है कि वो किस नियत से पिस्टल लेकर घूम रहे थे। वो सूचना के आधार पर MIG पुलिस के द्वारा रतलाम निवासी दो लोगों को मैं उनकी कार के रोककर चेक किया, उसमें उनको एक कंट्री मेड रिवॉल्वर पिस्टल मिली है, जिस पर 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई। कौन है सर आरोपी? एक यश छाजेड़ है और दूसरे राकेश प्रजापति हैं, दोनों जिला रतलाम के रहने वाले। कोई आपराधिक रिकॉर्ड है सर? अब वो अभी पुलिस पता कर रही है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। किस नियत से ये लोग घूम रहे थे उसके लिए भी अभी पूछताछ स्थानीय TI जो है वो कर रहे हैं। कहाँ से लेके आते थे? इन सब बिंदुओं के ऊपर अभी अनुसंधान जारी है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।